अंदर ही देखा जाएगा कि ईद के लिए कुछ मिलता है नहीं मिलता है। में से बहुत लोग जो हैं वो मुझे ये पूछ रहे होते हैं कि वेयर इज़ योर हस्बैंड, ये देखो ये मिल गया, दिस लुक्स नाइस कलर नहीं। अस्सलामु अलैकुम हबीबी कैफेहोलिक, वेलकम बैक। आज लग रहा है एक मुद्दत के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ, रमज़ान में बस एक व्लॉग बना पाई हूँ मैं। इससे पहले जो आपने मेरी चैनल पर देखा होगा इफ्तारी वाला, अगर नहीं देखा है तो ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे, जाइए जल्दी से पहले वो वाला व्लॉग देखिए फिर वापस यहाँ पर आइए। बहरहाल चूँकि एक रीज़न ये भी था कि रमज़ान से पहले बहुत सारे व्लॉग्स शूट हुए थे एंड ड्यू टू द रीजन्स, वेरियस रीजन्स, एक रीज़न ये भी था मेरा लैपटॉप सही चल नहीं रहा था, एडिट नहीं हो पाए वो टाइम पे, और उस वजह से व्लॉग्स जो है बहुत लेट अपलोड हुए। एक तो वो चीज़ रही और दूसरा ये था कि रोज़े चल रहे हैं एंड रमज़ान में वैसे ही हिम्मत कम होती है। आज हम जा रहे हैं शारजा एक्सपो जहाँ पर हो रहा है रमज़ान फेस्टिवल। क्या है वहाँ पर एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं मालूम, वो हम आगे चल के देखेंगे, तो व्लॉग में बने रहे। लेकिन चलने से पहले मुझे ये बताइए कि जो मैंने अभी तक मेहनत करके व्लॉग्स एडिट किए हैं और अपलोड किए हैं, क्या आपने वो देखने की जहमत की या नहीं? रुको रुको रुको, पहले अब ये वाला व्लॉग कंप्लीट करो फिर वो वाले व्लॉग देख लें, लेकिन देखना ज़रूर और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, बिकॉज मैं कमेंट्स पढ़ती सबके हूँ, रिप्लाई सबको नहीं कर पाती, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना कि इतने सारे कमेंट्स, 200 300 400 कमेंट्स आए होते हैं, तो मैं कहती हूँ मैं एक को रिप्लाई करूँ तो फिर दूसरे का दिल टूटेगा, यार मैं एक को रिप्लाई ना करूँ दूसरे को करूँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सबके पास कमेंट पढ़ लेती हूँ और जहन में रखती हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आगे बताऊँगी, अभी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, तो चलिए चलते हैं। अभी बज रहे हैं 5:30 और घर से यहाँ तक लगे जस्ट 7 minutes, I believe, not more than that. I'm coming as long. और इफ्तारी में अभी है 1 घंटा, 1.5 घंटा है, और यहाँ अंदर पहले देखना पड़ेगा कि इफ्तारी का कुछ बंदोबस्त होगा नहीं होगा, कि कहीं हमें बाहर तो नहीं जाना है, तो उस हिसाब से वी विल एंटर, क्योंकि अंदर जाने के लिए टिकट्स लेनी है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बस 1 घंटा अंदर रह सके, अंदर फिर इफ्तारी का कोई बंदोबस्त ना हो, एंड देन वी विल हैव टू कम बैक। तो पहले पता करेंगे कि इफ्तारी अंदर होगी नहीं होगी, नहीं तो विल हैव टू गो टू सम अदर प्लेस फिलहाल इसे 1 घंटे के लिए। तो मुबारक, टिकट हमने ले ली है और ये भी पता कर लिया है कि अंदर इफ्तारी का बंदोबस्त है, और अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे, क्या क्या है, और लाइकी कर था यहाँ आना या नहीं आया, या मैं जोल पानस तीली या त्रोज दरी में। सो लेट्स गो। क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? कभी नहीं देखूंगी आलू। क्यों क्यों नहीं देखूंगी? और चुप करो कबूतर। हमारे के आए हो? हमारे के नहीं, हमारे लिए आए हो। ये लो जी, ये स्टार्ट हो रहा है, और जितना मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे दिस इज एक्चुअली अ मार्केट। तो चलिए आज देखते हैं कितना चूना लगने वाला है। हाउ मच इज दिस फॉर? एक्सक्यूज मी, हाउ मच? 300। ओके, अब M1 300, मगर ये कहीं छू बोझ बासा तैयार, मगर یس اک بوڑ سٹرگل چھو یس بچور روپین مز کماوان آئس تھی یتن درمن مز چھس خرچاؤں اس کے لیے اس کو پہلے کنورٹ کرنا ہے تو اب کنورٹ کرو 300 درم کتنا ہوتا ہے اور پھر کمنٹس میں مجھے بتانا کہ کیا یہ چپل لینی چاہیے تھی یا نہیں اڈیشنل 25% ڈسکاؤنٹ چلو جی دیکھتے ہیں اب بھائی یہ اچھا سکیم देखो मेरे साथ क्या हो जाता है, मैं खुद पसंद के एम्स प्रूस में ही क्रिटिस्ट हूँ,
दबुन मैम जस्ट 25 दिरहम। मैंने कहा चलो भाई फिर तो अच्छा अच्छे रेट पे मिल रहा है, जस्ट 25 दिरहम एंड दिस इज़ नाइस पेंट पुल एंड बेयर का। अब जो मुझे पसंद आया मैंने उसको कहा भाई ये निकालो, तो कहती है मैम ये 49 दिरहम का। मैंने कहा ये क्या नॉनसेंस है भाई, पसंद मुझे 25 दिरहम पे आया और उसके बाद जो मेरा दिल किसी चीज़ पे आया वो 49 पे हो गया। तो ठीक है थोड़ा और घूम कर देख लेते हैं फिर मे बी मैं ये ले लूँ। ये देखो ये मिल गया, दिस लुक्स नाइस कलर नहीं, यस टू लेके 39 बट नॉट लाइक वो डेली वेयर वाली चीज़ नहीं है, दिस इज मोर लाइक दैट ट्रेकिंग पेंट वाला है। सुनो बिस्मिल्लाह हम कर चुके हैं कुछ नहीं, बस एक नाइट सूट देखा अभी जो हमें पड़ा जस्ट 15 दिरहम। वो कहने में जस्ट लग रहा है, वो कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन में। वाओ ये मेरा फेवरेट सेक्शन है जूतों का, लेकिन यहाँ बाद में आएंगे क्योंकि अगर मैं अभी वहाँ घुसी तो मेरे पास बचेगा कुछ भी नहीं बाकी देखने के लिए। लेट्स सी बाकी आगे क्या क्या मिल रहा है। ओके मैं अभी इस सारे एरिया में घूमी, एक दो कुर्ते मुझे पसंद आए भी थे बट देन अगेन मैंने बहुत ही वाइजली सोचा, बुद्धिमान तरीके से। सो फिर मुझे याद आ गया कि नहीं भाई उस कलर के कुर्ते ऑलरेडी है मेरे पास, तो क्या फ़ायदा लेने का। और अगर वहाँ पर भी दिल्ली में भी आपको ठीक ठाक रेट पे मिल ही जाते हैं ऐसे वाले कुर्ते तो मेक्स नो सेंस यहाँ से ये चीज़ ले जाना। और चूँकि अब इफ्तार में बचे हैं जस्ट 15 मिनट्स एंड इफ्तार के नज़दीक नहीं वो बत्ती गुल हो जाती है आपकी बिल्कुल सॉर्ट ऑफ वैसी ही कंडीशन है अभी मेरी। और चूँकि इस मार्केट के लिए आई बिलीव 24 घंटे कम है, लेट्स सी हम क्या क्या चीज़ कवर कर सकते हैं, बट अभी आई गेस बंदोबस्त करना पड़ेगा इफ्तारी का। तो ये लो जी जिसका डर था वही चीज़ हो गई, हमें वहाँ पे अंदर खाने के लिए कुछ नहीं मिला और ढूंढते ढूंढते अभी आधा घंटा हो गया, इफ्तारी ऑलरेडी आधा घंटा पहले हो गई है। हम अब यहाँ पे आए थे, सुनने में आया मैंने सुना कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा फूड मिलता है बट वहाँ जगह नहीं, तो यस दैट सेज कि फूड वहाँ काफ़ी अच्छा होगा। अभी हम दूसरी जगह देखने जा रहे हैं लेकिन शुक्र अल्लाह का वो जो टिकट है वो ज़ाया नहीं हो गई, उसी टिकट पे दे लेट अस टू एंटर अगेन। जगह नहीं है वहाँ भी, कहाँ है, यहाँ पर भी फुल है। फाइनली हमने एक जगह ढूंढ ली, एक जगह मिल गई जहाँ पे हम अफ्तारी करेंगे। और यहाँ पे सिस्टम ये है कि यू गेट टू सी दिस, वो दिख रहा है बुफे सारा। सो आप जाइए अपनी मर्ज़ी है जितना आपको लेके आना है, प्लेट पे जो खाना है वो खाइए। चलिए सी यू आफ्टर इफ्तारी। सो अभी मेरे प्लेट पे यू कैन सी अ कॉम्बो ऑफ रशियन सैलड, ये पाकिस्तानी चने और ये चाइनीज नूडल्स। तो वो मोहम्मद का प्लेट और ये मेरा प्लेट। और अभी हम चख के देखेंगे क्योंकि मैंने रशियन सैलड आज तक कभी खाया नहीं है। लेट्स सी कैसन है। पाकिस्तानी चने ओके थोड़ा सा ड्राई ड्राई माय फेवरेट बट लेट्स सी यहाँ इसमें टेस्ट कैसा है। मैं मान गया नूडल्स कहीं पे भी खा दे टेस्ट अमेजिंग। ओके सो हमने दो राउंड्स में खाया है, फर्स्ट राउंड में वी हैड दीज सैलड्स सलाद वारी हो किस्म हो सकन मगर थोड़ा बहुत मैंने जो सादा सादा चीज़ें थी वो खाई। एंड सेकेंड राउंड में हमने फिर थोड़ी सी फिश फिंगर खाई और हमने थोड़ी सी ये बोटी खाई
और ये क्या है, नहीं ये चीज़ हमने नहीं खाई, और ये क्या है, हाँ नूडल्स मैंने बहुत अच्छे से खाए, और बिरयानी ये खाने का मूड नहीं था, और क्या चीज़ थी यहाँ पे भाई, चिकन मंचूरियन एंजाइनस बलाई या तो उसने बिल्कुल मज़े किए उसके साथ शहर नहीं हुआ, ये क्या चीज़ है ना, ये छन सानी खतर के नहीं दाल बतवा रही, और ये फिर रोटी के साथ हमें खाना, तो नहीं खा सकती कब, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने चावल खाने बहुत कम किए, कम इन द सेंस रमज़ान में हम इफ्तारी में अभी चावल नहीं खा रहे, जबकि मैं मुझे मौत आती थी बिना चावल के, लेकिन एज दे से इन रोम डू एज रोमन्स डू, भोजन हो गया और थोड़ी देर में हम निकलेंगे, और हाँ आखिर में फिर लास्ट राउंड वॉज अबाउट टी, बिकॉज चाय के बगैर हमारा भोजन अधूरा। So that was all about bhojan, khana peena, and it was tasty. Alhamdulillah, wo ek bada struggle hota hai ki maza gas pati ho. Pata hai toh dali bhatte aise hoti hai. Thodi der mein we'll head back to expo. Aage chalke dikhate hain aapko ki aaj hamara chuna hi lagega ki kaise khaise rahte hain. وٕنکیٚس چھِ بَجیمژٕ 9 ظاہری کہیں اور جانا تھا وہاں پہ پہلے ڈھونڈنے میں ٹائم لگا اور پھر واپسی پہ ٹریفک جام سو فائنلی یہاں آ گئے اور ابھی ہم اندر جائیں گے اچھا میں نے شروع میں بولا تھا ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ میں سے بہت لوگ جو ہیں وہ مجھے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ویئر از یور ہسبینڈ ان لاز کہاں ہے سسرال میں کیوں نہیں بیٹھتی ہوں بھائی میری رخصتی نہیں ہوئی ابھی پلیز گیٹ دس تھنگ کلیئر ان یور ہیڈ میری ابھی رخصتی نہیں ہوئی جس نکاح ہوئے ہیں بہرحال سو چونکہ کمنٹس میں بہتوں نے یہ چیز پوچھی تھی تو میں نے سوچا میں ونس اینڈ فار آل کلیئر کر لوں اب کمنٹ میں ایک ایک کر کے کس کس کو جواب دوں کتنوں کو جواب دوں تو ابھی چلتے ہیں اندر اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہاتھ آتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ افطاری سے پہلے میں اس سے زیادہ فریش تھی ٹھیک ہے ابھی پان زور کھاکرے پکنا ہوا کالس ایون دو میں نے چائے بھی 2 کپ لیے اسی وجہ سے کیونکہ افطاری میں کچھ ہونا ہو چائے ضروری ہوتی ہے سنس یہ فیسٹیول یہی رمضان کے ساتھ ہی اینڈ ہوگا اور میرے پاس یہاں عید کے لیے کچھ ہے نہیں عید کے لیے کچھ دیکھنا ہے اور چونکہ عید کا یہاں پہ ارادہ نہیں تھا پہلے لیکن اب ارادہ ہو گیا ہے سو ہاتھ چھن جیسی تو نہیں بیٹھیں گے ہم عید کرنے کے لیے اندر ہی دیکھا جائے گا کہ عید کے لیے کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے ڈیفینیٹلی مل جائے گا اندر بہت کچھ ہے کمنٹ میں ضرور بتاؤ کہ افطاری کے بعد انسان فریش ہونا چاہیے لیکن افطاری کے بعد ہی انسان اتنا اس کا اپنا ہاتھی جیسا کیوں لگتا ہے یار جو بھی گیانی ہے کمنٹ میں بتائیے میانہ اچھے بیان کران کہ مے کس حالت چھ ونکس لٹرلی یت ونان چھ چان چھ مان چھ ہوچھنے ملک کافی یس ٹو وتھ شوگر حالت دیکھو میری یار کیا ہوئی ہے لٹرلی میں یہاں نیچے بیٹھی ہوں اور جو آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں یہ چھٹا تو نہیں مانگ رہی ہے کہیں کوئی دے نہ دے چھٹا مجھے اس لیے میں نے کافی کا کپ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے آئی فیل فریش اور یہ میرے دوست یہاں پہ ہائے او مائی گاڈ یو وانٹ کراسنگ بٹ ویئر واٹ از یور نیم اٹس ہاٹ نو اٹس فائن اس
इसकी माँ ने जो लुक इसको दिया ना, पता नहीं किस फकीर के साथ बैठा हुआ है मेरा बेटा। Looks like modern Gandhi ji, nahi? अभी बज चुके हैं 1:30 और यहाँ का टाइम बंद होने का है 1। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लाइट्स भी डिम हुई हैं और बहुत सारे स्टॉल्स बंद भी हो गए। दैट मीन्स यमोत्सन इज ऑफिशियली वोन हिमो ऐसे तरीक सन वन ये तो दफाई थन वन ये तो ऐसे शोंगन। सो आगो थाकुन आगो तकसूर गसुन सुचु मैं गुमत जंगन ते सुचु मैं गुमत कमरस ते। तो अभी चलते हैं यहाँ से, मुझे दीजिए इजाज़त आप, हम निकलेंगे घर की ओर। हाँ बिल्कुल थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, बिल्कुल थोड़ी बहुत, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ भाई जो दिरहम्स में कमा रहा होगा ना उसके लिए यहाँ चीज़ें सस्ती हैं। रोपी मज का मुँह मत आज थी ये तुम जो दिरहम मज खा चाहूँ तो पाका छू बेगा सुन रोपी उनके साफ दिन की सस्ती है। बट या इट इज ऑलवेज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। कोई चीज़ मेरे लिए महंगी आपके लिए सस्ती, कोई चीज़ आपके लिए सस्ती मेरे लिए महंगी। हाँ ईद के लिए जो लेना था मुझे वो चीज़ तो ले ली मैंने, वो क्या है लेट दैट बी सरप्राइज, वो हम आपको ईद के दिन ही दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए खूब सारा ख्याल। एक बार फिर से गुजारिश खिदमत ये है कि आप जाके देखिए पुराने व्लॉग्स जो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग विद नेक्स्ट स्टोरी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।